हम लोग को पता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम से बॉडी को न्यूट्रिशन मिलता है और ये न्यूट्रिशन एनर्जी प्रोड्यूस करता है ये न्यूट्रिशन एनर्जी कैसे प्रोड्यूस कर रहा है तो हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एक प्रोसेस करना है ये प्रोसेस है रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन से ही ये न्यूट्रिशन एनर्जी प्रोड्यूस करता है अभी जो आप लोग देखे हैं वो है ब्रीदिंग मैंने फिजिकली ऑक्सीजन को इनहेल किया और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल किया तो ये प्रोसेस है ब्रीदिंग ब्रीदिंग के दौरान जो भी केमिकल रिएक्शंस बॉडी में हो रहा है उसे हम लोग रेस्पिरेशन कहलाते हैं आप लोग कभी सोचे हो कि अगर आप रेस्पायर नहीं करें तो आपको क्या होगा रेस्पिरेशन के स्टोरी uh, हम लोग ये चैप्टर में पढ़ेंगे ये चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि रेस्पिरेशन का क्या नीड है डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन को देखेंगे और रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स को भी पढ़ेंगे हमें पता है कि एनर्जी कार्बोहाइड्रेट विच फूड से मिलता है ये एनर्जी रेस्पिरेशन के थ्रू कैसे आ रहा है ये हम लोग अभी देखेंगे तो रेस्पिरेशन का फर्स्ट प्रोसेस है ग्लूकोज गेटिंग कन्वर्टेड टू पायोवेट ग्लूकोज सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है ये सिक्स कार्बन मॉलिक्यूल ग्लूकोज हमें थ्री कार्बन मॉलिक्यूल पायोवेट दे रहा है ये रिएक्शन को हम लोग ग्लाइकोलिसिस बुलाते हैं ग्लाइकोलिसिस सेल्स के साइटोप्लाज्म में होता है ये पायोवेट के फॉर्मेशन के साथ एनर्जी भी प्रोड्यूस होता है लेकिन बॉडी के लिए ये एनर्जी कभी कम पड़ता है तो इसके वजह से पायोवेट को और एनर्जी प्रोड्यूस करना है तो पायुवेद और डिफरेंट रिएक्शंस करता है ये रिएक्शंस डिफरेंट कंडीशंस में होता है ये कंडीशंस अभी हम लोग देखेंगे फर्स्ट कंडीशन है इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन पायुवेट इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी बनाता है इसका सबसे सिंपल एप्लीकेशन है मेकिंग ऑफ ब्रेड जब ब्रेड बनता है ये सेल्स पायोवेट को इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी प्रोड्यूस करता है ब्रेड का फ्लफीनेस ये कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ही है अभी हम लोग सेकेंड कंडीशन को देखेंगे सेकेंड कंडीशन है इन द लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन तो इन द लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन पायुवेट लैक्टिक एसिड और एनर्जी प्रोड्यूस करता है इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल है जब हम लोग एक्सरसाइज हैं एक्सरसाइज के टाइम में मसल सेल्स में ऑक्सीजन का सप्लाई लिमिटेड होता है ये लिमिटेड सप्लाई की वजह से कभी बॉडीज में क्रैम्प्स बनते हैं ये क्रैम्प्स लैक्टिक लैक्टिक एसिड के वजह से होता है अभी थर्ड कंडीशन है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन या एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू पायोवेट कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एनर्जी प्रोड्यूस करता है ये रिएक्शन सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है यही रिएक्शन आप लोग अभी बॉडी में करें। तो आप लोग एरोबिक रेस्पिरेशन से के थ्रू पायोवेट को कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एनर्जी बना रहे हम लोग तीन टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशंस को देखे हैं अभी